आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी 2 का पहला बजट कई बड़ी घोषणाओं के जरिए देश की दशा और दिशा बदलने की कवायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजट पर प्रतिक्रिया, बजट से गरीबों को बल मिलेगा और युवा को बेहतर कल मिलेगा। कमलनाथ कैबिनेट का फैसला, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार की अनोखी पहल, शिशु को पैदा होते ही मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के इलाके में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं जो देश की दशा और दिशा को बदलने वाली हैं। वित्त मंत्री ने कहीं छूट के साथ कुछ सुविधाएं दी तो कहीं टैक्स की मार भी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया तो उसमें सबसे हैरान कर देने वाला मामला था पेट्रोल के ऊपर सेस लगाए जाना। इसके कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिस कारण तमाम सारी चीज़ों की कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। इनकम टैक्स दाखिल करने के नियमों को सरल किया गया है। जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वो आधार नंबर से भी टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, यानी आयकर भरने के लिए सहूलियतों को बढ़ाया गया है। 5 लाख रुपए की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए लिए गए लोन पर सरकार 1.5 लाख रुपए की कर छूट देगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर टैक्स से 12% से घटाकर 5% किया गया है। इसकी ब्याज पर भी लोगों को राहत मिलेगी। सस्ता घर खरीदने वालों को भी छूट मिलेगी। 45 लाख रुपये तक का हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। वहीं वित्त मंत्री ने अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की सालाना आय 2 से 5 करोड़ रुपये तक है उन्हें 3% ज़्यादा टैक्स देना होगा, और जिनकी सालाना आय 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें 7% से ज़्यादा टैक्स देना होगा। दिस विल एनेबल पीपल टू पे मल्टीपल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूडिंग मेट्रो सर्विसेज एंड टोल टैक्स अक्रॉस द कंट्री। This interoperable transport card runs on RuPay card and would allow the holders to pay for their bus travel, toll taxes, parking charges, retail shopping and even withdraw money. Phase 2 of the FAME scheme, following approval of the cabinet, with an outlay of 10,000 crore rupees over a period of 3 years, has commenced from 1st April 2019. The main objective of the scheme is to encourage faster adoption of electric vehicles by way of offering upfront incentive on purchase of electric vehicles and also by establishing the necessary charging infrastructure for electric vehicles. वित्त मंत्री ने पर्यटन के क्षेत्र में 17 ऐसी जगहों को चुना है जिन्हें विश्व स्तर का स्थान बनाया जा सकता है। आदिवासियों की जो परंपरा है उन्हें जीवंत रखने और बढ़ाने की व्यवस्था होगी। इसी तरह स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों का पलायन रोका जा सके और उनकी आय को बढ़ाया जा सके। महिलाओं के लिए मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपये का लोन, साथ ही जनधन खाते में 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। कई मंत्रालय जो अलग अलग तरह के ग्रांट देते हैं उन्हें एक छत के नीचे लाया जाएगा। इस फंड का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जाएगा। विदेशी छात्रों को भारत में लाने के लिए स्टडी इन इंडिया स्कीम लाई जाएगी। स्वच्छता की बात करें तो 95% से ज़्यादा शहर खुले में शौच मुक्त हो गए। महात्मा गांधी की 150वीं बरसी पर उनकी नीतियों और शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा। साफ पेयजल सभी भारतीयों को उपलब्ध कराने के मकसद से जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। देश के 256 जिलों में पानी को लेकर अभियान चलाया जाएगा। किसानों के लिए डेयरी उद्योग के विकास की दिशा में सरकार काम करेगी। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की पहल भी सरकार करेगी। व्यापार के साथ जिंदगी जीने की सुविधा किसानों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने छोटे और मझले उद्योगों को तोहफा देते हुए महज 59 सेकंड में 1 करोड़ का लोन देने की स्कीम का ऐलान किया है। वहीं 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम का भी ऐलान किया है। हालांकि बजट आने के बाद शेयर बाजार
धड़ाम से नीचे गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा, इस बजट से टैक्स व्यवस्था में सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकरण होगा, मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सशक्त करने के लिए चौतरफा कदम उठाए। अगले 5 वर्षों में यह इंपावरमेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी। इसी बजट से टैक्स व्यवस्था में सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा, मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को मैं सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर ओरिएंटेड बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकरण होगा। ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अंग्रेजों की परंपरा को मोदी जी ने इस बजट में खत्म कर दिया है, ये समृद्ध भारत के निर्माण का बही खाता है। वहीं कांग्रेस ने कहा, इस बजट में कुछ भी नहीं है, ये बहुत निराशाजनक बजट है। बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस बार बजट में भारतीयता नजर आई, मजबूत व्यक्ति के निर्माण के लिए, गांव, गरीब, किसान, महिलाओं के लिए ये बही खाता है, ये रोजगार के अवसर सृजन करेगा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का संकल्प सभी को आवास, पीने का पानी, किसान, रोजगार, हर घर बिजली के वादे को पूरा करेगा। चुनाव के पहले जो संकल्प पत्र रखा था उन्हें पूरा करने में ये बही खाता समर्थ प्रयास है। उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर सरकार काम कर रही है। बजट अब बजट नहीं कहा जाएगा, बही खाता कहा जाएगा। ये बजट गुलाम मानसिकता का प्रतीक था और इसलिए मैं भारत की पहली स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री निर्मला जी को भी बधाई देता हूँ। आज जो बही खाता प्रस्तुत किया है वो वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत के निर्माण का बही खाता है। और एक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए, मजबूत भारत के निर्माण के लिए, मजबूत नागरिक के निर्माण का बही खाता है। इस बही खाते में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले जो अपना संकल्प पत्र जनता के बीच रखा था, उस संकल्प पत्र में हमने जो चीज़ें कही थी उनको पूरा करने की दिशा में एक सार्थक और समग्र प्रयास है ये बही खाता। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का बही खाता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को कांग्रेस ने घोर निराशावादी बताया है। कांग्रेस ने कहा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सके। आज मोदी सरकार का पेश आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। आम जन के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, आम जन खुद को ठगा महसूस कर रहा है। इस बजट महंगाई बढ़ाने वाला बजट है,
पेट्रोल डीजल से जनता राहत की मांग कर रही थी, उसके ऊपर एक एक रुपए का सेस लगाकर उसे और महंगा किया गया। इससे जमकर महंगाई बढ़ेगी। महिलाओं के लिए यह बजट ठगा महसूस कर रही महिलाएं, क्योंकि सोने के ऊपर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर कहीं ना कहीं सोने को महंगा किया गया। आम जो गृहिणी का जो सपना था उसे ठगने का प्रयास किया गया। बात करें तो मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बात करें तो किसान के लिए, गांव के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बजट में कुछ नहीं है। पूरी तरह से निराशाजनक और जनता को ठगने वाला बजट है। इस बजट से जनता को काफ़ी उम्मीदें थी, जो सब धराशायी हुई है। अच्छे दिनों से इस बजट का कोई सरोकार नहीं है। लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए बच्चे के पैदा होते ही उसे जाति प्रमाण पत्र दिए जाने का काम शुरू कर दिया है। इस योजना का आरंभ कोंडा गांव से हुआ। पैदा होते ही नवजात शिशु को जाति प्रमाण पत्र देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र बनवाना बड़ा कठिन काम माना जाता है। इसके लिए लोगों से रिश्वत तक ली जाती है। जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए होने वाली परेशानी और रिश्वतखोरी से प्रदेश के लोगों को निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनोखी पहल की है कि बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसका जाति प्रमाण पत्र उसे मिल जाए। इस योजना की शुरुआत कोंडा गांव से नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की। अब कोंडा गांव देश और प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहाँ नवजात को जाति प्रमाण पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कमलनाथ कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा में विधेयक लाकर इसे कानून बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाली सीधी भर्ती वाले पदों के लिए आयु की सीमा 40 वर्ष कर दी गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही प्रदेश में होने वाली सीधी भर्ती वाले पदों के लिए आयु की सीमा 40 वर्ष कर दी गई है। स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। पहले ये 400 रुपये थी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की रकम सीधे बच्चों के बैंक में भेजी जाएगी। महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें सर्वसम्मति से पारित किए गए और सबसे बड़ा मुद्दा है 27% पिछड़े वर्ग को जो पहले 14% रिजर्वेशन मिलता था नौकरी में और एडमिशन्स में, वो 27% हो जाएगा। ये इसका विधेयक पारित हो गया, अब जो विधानसभा में आएगा और ये कानून बन जाएगा। ये अनुसूचित जाति जनजातियों के अन्य पिछड़े वर्ग में जो आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है जो विधानसभा में होगा और पारित होगा। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद जारी रखे जाएंगे, इसकी मंजूरी दे दी गई है। महिला स्व सहायता समूह सरकारी विभागों में पुलिस, कोटवार, स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म बनाकर सप्लाई करेगी। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जिस मकान को टूटने से बचाने के लिए नगर निगम अधिकारी पर बल्ला चलाया था, नगर निगम ने उस विवादास्पद मकान को जमींदोज कर दिया है। उस मकान में रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। नगर निगम रोड गांजी कंपाउंड स्थित विवादित मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू हुई। निगम ने कार्रवाई की सूचना जिला प्रशासन को दे दी थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में 2 मंजिला मकान जेसीबी की मदद से गिराया गया। मौके पर 4 पुलिस थाना और 1 महिला थाने के 5 TI रिजर्व बल सहित 100 पुलिसकर्मी मौजूद थे। नगर निगम के भवन अधिकारी असित खरे भी यहां मौजूद थे, जिनका उस दिन विधायक आकाश विजयवर्गीय से विवाद हुआ था। निगम के बिल्डिंग ऑफिसर असित खरे ने बताया कि मकान में रहने वाले एक किराएदार बहरूलाल श्रीवंश ने खुद संपर्क कर फ्लैट की चाबी ली, जबकि बुधवार को वो नहीं मिले थे तो निगम अधिकारियों ने उनके बेटे के घर पर जाकर नोटिस चस्पा कर दिया था। जरर मकान में उनका जो सामान रखा था उसे निगम के डंपर की मदद से भूरी टेकरी स्थित शहरी गरीबों के फ्लैट में शिफ्ट कर दिया गया है। किराएदार ने स्थायी रूप से फ्लैट लेने की इच्छा जताई तो उसे कहा गया है कि फ्लैट खरीदने के लिए फॉर्म भरना होगा और 6-7 लाख रुपये देने होंगे। आज जब इस मकान को तोड़ा जा रहा था तो दूर दूर तक कोई नेता नजर नहीं आया। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दंत चिकित्सक लेकर आए हैं डेंटिस्ट्री की एक नई सदी, उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस। उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस में
डेंटिस्ट देंगे दांतों को खूबसूरत और स्वस्थ रखने की राय, तो आना ना भूलें। 7 जुलाई, काना फन सिटी, भोपाल। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल प्रभु भरोसे चल रहे हैं। सरकार दावे कुछ भी करे लेकिन हकीकत सरकार के दावों की पोल खोल देती है। कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं बच्चे नहीं है, और जहां दोनों हैं वहां शिक्षकों की पढ़ाने में रुचि नहीं है। स्कूली शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी के इलाके के जब हाल इतने खराब हैं तो बाकी प्रदेश का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये खबर एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी को समर्पित है। चौधरी जी, आंख खुलकर देख लें हकीकत। आपके राज्य में आपके इलाके के जब हाल खराब हैं, तो बाकी प्रदेश में कैसा प्रभुराज चल रहा होगा। आपको व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विधायक बनाया गया, स्कूल ढंग से चलें इसके लिए आपको मंत्री भी बनाया गया, पर ये क्या, यहाँ तो दिए तले ही अंधेरा है। मंत्री जी, आपसे उम्मीदें कम ही हैं। जब आप अपने इलाके की व्यवस्थाएं 6 महीने में दुरुस्त नहीं कर पाए तो आपसे बहुत उम्मीदें करना बेकार ही है। बहुत लंबे समय से इस विभाग में काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। मैं तो अभी जैसा भी चतुर्वेदी जी बता रहे थे, 25 दिसंबर से आप लोगों के विभाग में ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे भी उस सकता हमेशा रहती है कि विभाग में क्या क्या होता रहा है और कैसा अच्छा और क्या कर सकते हैं हम इसमें इम्प्रूवमेंट, ऐसा मन में हमेशा मेरे आता रहता है। आप लोगों के लंबे समय से काम कर रहे हैं और आगे लंबे समय तक काम करेंगे। मेरा मुझे पता नहीं मैं कब तक रहूँगा, और किसी को भी पता नहीं। आप लोगों को लंबे समय तक काम करना है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं रायसेन जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर ग्राम ब्यावरा में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूल में चारों तरफ गाय भैंस का गोबर बिखरा पड़ा है। स्कूल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मजबूरी देखिए, बच्चे गाय भैंस के गोबर के बीच में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। गाँव की माध्यमिक स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक 3 क्लासों में मात्र 1 शिक्षक पदस्थ है, वो भी स्कूल नहीं पहुँचे। प्राइमरी सेक्शन में 5 क्लासों में 4 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन वहाँ भी कोई शिक्षक नहीं। आश्चर्यजनक तो यह है कि जिस युवक शंकर जाटव ने स्कूल के ताले खोले, उसे एक शिक्षक ने 1500 रुपए प्रतिमाह के मेहनताने पर किराए पे रखा है, जो इन शिक्षक के एवज में स्कूल में आता है। शिक्षक आज वो मीटिंग है पेमेंट में, वहाँ गए हैं। नहीं, बंद नहीं है ना, मैंने खोला नहीं तो फिर वो मैडम ने रखा है हमारे लिए। अभी अतिथि नहीं है, मतलब वो क्या है कि कोई प्राइवेट रख लिया। हाँ, प्राइवेट कोई सर नहीं आ रहे अभी, तब तक 1-8 महीने के लिए। अभी 2 रोज से आ रहा है हमें, 2 रोज से आ रहा है। वो कोई सफाई कर्मचारी नहीं है ना, और बच्चे भी नहीं आए आज, वो तो है ही नहीं ना। प्रभुराम चौधरी के इलाके के स्कूलों के रियलिटी चेक में इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने बताया कि स्कूल के शिक्षक कई बार आते ही नहीं है, शंकर सर ने ही इन्हें पढ़ाया। स्कूल में गंदगी के सवाल पर बच्चों ने बताया कि सफाई होती ही नहीं है, शिक्षक ही नहीं आते तो फिर सफाई का क्या लेना देना। आइए प्रभुराम जी, अब आप आपके बच्चों की व्यथा भी सुन लीजिए। यहाँ टीचर नहीं आते पढ़ाने, ऐसा गंदा पड़ा स्कूल, नहीं नहीं आते नहीं। ये गोबर मोबर पड़ा है, साफ नहीं होता नहीं। जब भाव साहब नहीं आते तो आप लोग क्या करते हो? खेलते हाँ। एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है? नहीं। आए नहीं है आज? नहीं। फिर आज आपको किसने पढ़ाया? आज सर जी ने। ये सर जी तो नौकरी पे है ही नहीं है। चलो अब शंकर सर ने पढ़ाया। स्कूल में सफाई नहीं होती बेटा, ऐसी गंदगी में पढ़ते हो आप? गांव के सरपंच प्रकाश राजौरिया का कहना है कि स्कूल में शिक्षकों की काफी कमी है। स्कूल समय पर न खुलने और शिक्षकों के न आने की हमने पहले भी शिकायतें की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही इस स्कूल को चेक करने बरसों से शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी आया। शिकायत पिछले साल 1-2 बार की थी, तो उसमें कोई जांच वगैरह और कोई अधिकारी जाते भी नहीं है गांव ब्यावरा। और टीचरों की समस्या ये है कि मिडिल में टीचर हमको मिल नहीं पा रहे हैं,
वहाँ एक ही टीचर है शायद मेरे ख्याल से, और प्राइमरी में 4 टीचर हैं जो कभी किसी कारणवश कभी लेट हो जाते हैं वो आने जाने में। और स्कूल कई बार हमने चेक करा है, पिछले साल तो मैंने 1 महीना खुद पढ़ाया था टाइम से जाके, स्कूल क्लासेस से मैं लेता था, और गांव के 1-2 लोग और जागरूक लोग मेरे साथ जाते थे। इस सत्र में अभी हमने स्कूल चेक किया नहीं है, 5-6 रोज पहले मैं गया था स्कूल तो मैडम ने ज़रूर बोला था साफ़ सफाई के बारे में, तो हमने उस पर विचार करा है और 2-4 दिन के बाद उसकी साफ़ सफाई और बाउंड्री कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री के इलाके का आदिवासी बाहुल ग्राम भीलों का टोला ग्राम पंचायत बर्रुखार में आता है। पहली से 5वीं तक यहाँ 2 शिक्षक हैं, स्कूल में 1 शिक्षिका ही मौजूद थी, दूसरे आए नहीं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस स्कूल में 25 से अधिक बच्चों के एडमिशन हैं, लेकिन स्कूल एक भी नहीं आया। स्कूल में जो शौचालय बना है उस पर छत नहीं है और स्कूल के शौचालय में ताले लगे हुए हैं जिसकी चाबी भी स्कूल में नहीं थी। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों को बुलाकर लाने की कोशिश तक कभी नहीं की, जबकि सरकार का सीधा साफ कहना है नो वर्क नो पेमेंट। तो इन शिक्षिका की वेतन शिक्षा विभाग को रोकना चाहिए ताकि ये महोदया आगे आने वाले समय में बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें और कम से कम उन्हें पढ़ाएं। 1 से 5 तक 25 बच्चे अभी खुले हैं, तो ये 4, 5, 10 कल 8 आए थे, 2 टीचर वो पेमेंट मीटिंग के लिए गए हैं। वो मासिक बैठक होती है पैमद में, जन शिक्षा केंद्र हमारा पैमद लगता है। ये हम अभी हम क्या बता सकते, वो तो जन शिक्षा या प्रभारी बता सकते हैं कि क्या बात है क्या नहीं। हम तो सभी पढ़ाते हैं सभी, नहीं हम तो रायसेन से आते हैं। रायसेन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से जब इस स्कूलों के हालात पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। जिला शिक्षा अधिकारी शिकायत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनका काम नहीं है कि अपने इलाके के स्कूलों की सच्चाई भी कभी जाकर देख लें। देखिए, मैं तो निरंतर ये प्रयास कर रहा हूँ कि विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति नियमित हो। मैंने पिछले शिक्षा सत्र में भी भ्रमण किया था, निरीक्षण किए थे, और जो शिक्षकगण अनुपस्थित पाए गए थे उनका मैंने वेतन भी काटा है और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करने का पूरा प्रयास किया है। देखिए, मेरी जानकारी में ऐसी कोई संज्ञान में नहीं आई है। मेरा मानना है कि नियम सभी के लिए बराबर है। अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रभु राम चौधरी जी, ये खबर तो एक सैंपल भर है, वो भी आपके अपने इलाके से। लड़खड़ाती स्कूली शिक्षा आपके भरोसे है, कुछ कीजिए। आंखें खोल के पूरी ताकत से शिक्षा विभाग के लुंजपुंज सिस्टम को ठीक कीजिए, अन्यथा तैयार रहिए, जनता आपका और आपकी सरकार का भी वही हश्र करेगी जो आपसे पहले वालों का हुआ है। रीवा में मऊगंज विधायक थाना प्रभारी के विरोध में कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के सामने धरने पर बैठ गए हैं। विधायक का आरोप है कि थाना प्रभारी वसूली में व्यस्त हैं और क्षेत्र अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक थाना प्रभारी को निलंबित नहीं कर दिया जाता तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। रीवा में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल शाहपुरा थाना के सामने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल सहित 4 पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग कर रहे हैं। विधायक का आरोप है कि शाहपुरा थाना में पीड़ितों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। ग्रामीणों द्वारा बीते कई माह से शाहपुरा थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल की शिकायतें आ रही थीं, जिसके चलते उनको धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस वसूली में व्यस्त है और क्षेत्र में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जगह जगह शराब गांजा खुलेआम बिक रहा है, छेड़खाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जनता त्रस्त है, थाने में आम आदमी के साथ गाली गलौज की जाती है। ये विधायक के आरोप हैं। मम्मी पापा नहीं रहे, पापा के हाथ टूट गए, मम्मी ला बात करें, हम लोग सोबत रहे, माँ भी छोटा भाई हम छोटी बहन थे, वो एक बच्चे रात आए पहले कम्बल निकाल दिए, फिर बाद में आधे घंटा बाद आए गले में हाथ लगाए, फिर कपड़ा से मुँह कोशिश करें गले का समझा कुछ नहीं। पिछले कई दिनों से सायपुर थाना खटखरी चौकी दोनों की बहुत गंभीर शिकायतें आ रही हैं, यहाँ तक कि यहाँ के लोग FIR तक नहीं लिखते। FIR लिखते हैं तो सामने वाला जो आ रहा है तो उसके साथ गाली गलौज अपमानी। एक घटना तो ऐसी है, एक महिला को लोगों ने मारा, उसके सर से खून बह रहा, फट गया सर, और FIR नहीं लिखे। वो अपने से लड़का चौकी से चला गया हनुमना थाने में, डॉक्टर ने रिफ़र किया, रीवा लेके आया और कोई FIR नहीं। और फिर जब मुझे जानकारी मिली, मैंने रीजनल SP से बात किया, उन्होंने फ़ोन किया होगा तब बुला करके FIR कर रहे हैं और उसको धमका रहे हैं तुम नेतागिरी करते हो। ये स्थितियां बिना पैसा दिए कोई FIR लिखी नहीं जा रही।
विधायक ने बताया कि जनता चार पुलिसकर्मियों से त्रस्त हो चुकी है। जनता की मांग है कि उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। फरियाद लेकर धरना स्थल पर पहुंचे कई पीड़ितों ने भी TI विजय सिंह बघेल के निलंबन की मांग की। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इन पुलिस वालों को निलंबित नहीं किया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। मंत्री, गाडरवाला कृषि मंडी में व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते किसान अपना माल लेकर दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। माल न बिकने के कारण किसानों को मजबूरी में अपना माल औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। हालांकि व्यापारियों ने हड़ताल की जानकारी मंडी कार्यालय में दे दी थी, लेकिन दूर दराज के किसानों तक जानकारी न पहुँच पाने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाडरवाला कृषि मंडी में व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है, लेकिन किसानों को ये जानकारी नहीं दी गई। अब ऐसे में मंडी से दूर दूर से माल बेचने आ रहे किसान परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ बारिश के मौसम में अनाज को घर लेकर वापस जाना पड़ रहा है। हालांकि व्यापारियों ने हड़ताल की जानकारी मंडी कार्यालय में दे दी थी, लेकिन दूर दराज के किसानों तक जानकारी ना पहुंच पाने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव आते ही सभी पार्टियों को किसानों की चिंता सताने लगी थी, लेकिन चुनाव के बाद किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर किसी की नज़र नहीं जाती। जनप्रतिनिधियों और किसान हितैषी नेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों जमानो मंडे हड़ताल है? हड़ताल 15 नुकसान जो ही होगा बड़े वाले इतने मतलब उलझवा दे हिमालय ने बड़ा लग गया। व्यापारियों की हड़ताल है, हमने कल उसका अनाउंस किया था। किसान व्यापारी के आवेदन आने पर संघ के द्वारा तो अपन ने अनाउंस किया था उसका, किसान अपना माल ना लाए मंडी में। कितने दे ये अनिश्चित का दिया है उन्होंने। दूर दराज से मंडी में माल बेचने आ रहे किसान परेशान हो रहे हैं। माल ना बिकने की स्थिति में किसानों को मजबूरी में अपना माल औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है, जिसका सीधा फायदा दलालों को मिल रहा है। जब इस बारे में संबंध अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अधिकारियों का जवाब न दे पाना और किसानों का दर दर भटकना शासन एवं प्रशासन की कार्यशैली पर कई सारे सवालिया निशान खड़े कर रहा है। बहुत रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के तालाब में चाचा भतीजे की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव को तालाब से बाहर निकाला। ये दोनों तालाब में मछली पकड़ने गए थे। चाचा भतीजे को मछली पकड़ने का शौक भारी पड़ गया। चाचा और भतीजा दोनों ही गांव के तालाब पर मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान भतीजे का अचानक पैर फिसला और वो तालाब में गिर गया। उसे बचाने के लिए चाचा ने भी तालाब में छलांग लगा दी। चाचा डूब रहे भतीजे को बचा पाता उससे पहले वह खुद मछली के जाल में उलझ गया। मछली के जाल में उलझने के कारण दोनों पानी में डूब गए। इनके नाम बाबू साकेत और अशोक साकेत बताए गए हैं। घटना के बाद से ही गाँव में मातम पसरा हुआ है। तालाब में मछली मारने गए थे, वो तालाब में सर गए, इसलिए पानी में डूब गए, इनकी मौत हो गई। हाँ, ये नईगढ़ी थाना क्षेत्र के बंधुआ भाई गाँव है, उसमें एक बब्बू साकेत और अशोक साकेत ये चाचा भतीजे हैं रिश्ते में। ये मछली मारने के लिए गए थे गांव के एक तालाब में। वहाँ पर भतीजा था जो अशोक साकेत, ये कुछ डूबने लगा तो चाचा इसको बचाने के लिए गए तो दोनों डूब गए हैं। उनके शव निकाल कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी भेजा गया है। उनका PM वगैरह और जांच की कार्रवाई। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में प्रशासन की छापामार कार्रवाई से जेल में हड़कंप मच गया। खुफिया सूचना पर हुई इस कार्रवाई में जेल से भारी मात्रा में मादक पदार्थ सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जेल में आपत्तिजनक वस्तुएं मिलना जेल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। जबलपुर में कलेक्टर और SP की अगुवाई में 30 सदस्यीय टीम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में औचक छापा मारा। पुलिस महानिदेशक VK सिंह ने 2 दिन पहले जबलपुर जोन के अपराध समीक्षा में जेल में रची जा रही साजिशों को लेकर आगाह किया था। 2 घंटे तक अलग अलग बैरकों की जांच में टीम ने 8 बंदियों से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। बैरक नंबर 9 SA गांजे की पुड़िया, 500-500 रुपये के 2 नोट, सेफ्टी पिन, चूना इत्यादि जब्त किया गया। बैरक नंबर 9 BC बेल्ट, पतला तार, लोहे के धारदार पट्टियाँ जब्त की गई। सूत्रों की माने तो खुफिया सूचना पर यह छापामार कार्रवाई की गई। देखिए, जेल में ये औचक निरीक्षण कलेक्टर सर के नेतृत्व में किया गया और सारे SDM, एडिशनल SP और क्राइम का पूरा अमला था। इस पूरी रेड में जो अभी तक जब्ती की गई है उसमें 1,000 रुपया मिला है, गांजे की पुड़िया मिली है, चूना मिला है, एक आपत्तिजनक पतला लोहे का एक तार मिला है जो आपत्तिजनक है, लोहे की पट्टियां मिली हुई हैं। इसके अलावा और भी चीज़ अभी एक टीम हमारी लगातार सर्चिंग कर रही है। ये आपत्तिजनक है, सेफ्टी पिन मिला है जो आपत्तिजनक है, किसी को भी उससे घाव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं रहनी चाहिए जेल में,
वो मिली हैं, जिन लोगों से मिली है उससे जब्ती किया जा रहा है और निश्चित तौर पे समय समय पर ऐसी जो सरप्राइज चेकिंग है वो कंटिन्यू होती रहेगी। जेल में आपत्तिजनक सामान कैसे आया इसकी जांच रिपोर्ट कलेक्टर ने तलब की है। जांच के दौरान महबूब अली के बेटे लकी खान के बैरक के बाहर लोहे का नुकीला रॉड मिलने से जेल में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि लकी खान और छोटू चौबे गैंग में रंजिश है। सेंट्रल जेल में कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने से जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। एसपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट के आधार पर शासन को कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। चेकिंग के दौरान जेल की अव्यवस्थाओं, लाइब्रेरी, भोजन की गुणवत्ता आदि की जांच भी की गई। हाँ, जेल पे आज औचक निरीक्षण किया गया है एसपी साहब और प्रशासन की मेरी टीम के द्वारा, और उसमें अलग अलग वार्डों में टीम बना के ये निरीक्षण किया गया। कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं, अभी उसका विवरण मेरे ADM और SP साहब यहीं हैं, अभी जाँच चल ही रही है, उसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, आपत्तिजनक जो भी चीज़ें मिली उसके आधार पर कार्रवाई होगी। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को आपबीती सुनाकर न्याय की गुहार लगाई है। रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत डेकई नई बस्ती में रहने वाली नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अनिल साकेत नाम के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि पिता की मृत्यु के बाद ये लड़की अपनी माँ के साथ रहती है। आरोपी अनिल साकेत पीड़िता के घर पर 3 साल पहले किराए से कमरा लेकर रहता था और कॉलेज में पढ़ाई करता था, तभी से वो पीड़िता को जानता था। पिछले दिनों अनिल पीड़िता को बहला फुसला कर अपने गांव घुमाने ले गया और वहां शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने वाकई अपनी मां को बताया और अब मामला पुलिस तक पहुँचा है। शादी का झांसा देके वो बलात्कार किया और बोला कि शादी करेंगे, मैहर ले गया, गांव ले गया अपने घुमाने, गिराते रह गए, अब शादी करने के लिए बोलता कि नहीं करेंगे। अनिल साकेत कौन से गाँव का? भिलंगी। मामला ये बाढ़ के मांग 5 बीघा का है, मेरे बाढ़ का भी मैटर है। ये हमारे गरीब खर्चे परिवार की बच्ची है, इसके यहाँ विगत 3 वर्ष पहले एक किराए से मकान में रहता था लड़का, जो कि इसको शादी का प्रोग्राम देके, लालच देके इसके साथ गलत नजरिए से पूरा काम किया, गलत काम किया। और अब ये लड़की हुई है 18 साल की। 18 साल की जब लड़की हुई तो इसके परिवार जब वहाँ पहुँचे कि भाई शादी करना है कि नहीं करना है, तो वो उसने साफ मना कर दिया कि मुझे साथ शादी नहीं करना है, जो करते बने करो। तो हम लोग माननीय SP साहब के पास आए हैं, ऑफिस में कार्यालय में आए हैं कि इस गरीब बच्ची को न्याय मिल सके। बता रहे हैं कि पहले शादी का आश्वासन दिया था लड़के ने और अब जो है वो शादी नहीं कर रहा है, तो हम इसकी जांच कराएंगे कितना इसमें कंटेंट सही है, क्या मामला है और जैसा भी होगा उसकी। पीड़िता के बालिग हो जाने के बाद भी आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और अब पीड़िता और उसकी माँ को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने रीवा SP से न्याय की मांग की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, आजकल तो ऐसे बल्ले बल्ले हो रही है राजनीति में, खूब डंडे बल्ले खूब चल रहे हैं, अधिकारियों की पिटाई हो रही है। मैं तो अधिकारियों से बोल रहा हूँ, भैया हेलमेट वगैरह पहन के जाओ, ये कोई भरोसा नहीं कोई बल्ला लेके आ जाए। हाँ, ये आकाश विजयवर्गीय हैं, कैलाश विजयवर्गीय की बेटी हैं, इंदौर से विधायक हैं, इन्होंने बल्ला लेके अधिकारी की पिटाई कर दी। वो बताया वो जेल भी चले गए उस चक्कर में, और जेल से छूट के आया तो उनका ये सब स्वागत हुआ जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़के आ रहे हैं। बता रहा हूँ ये तो आजकल चल रहा है, ये निवेदन धनादन निवेदन या क्या कौन से संस्कार आ गए हैं पार्टियों में, ये तो चल रहा है। मोदी जी ने भैया खुल के बोल दिया है, बोले ऐसे किसी का भी बेटा बेटा हो बेटी उनको भगाओ जैसे लोगों को पार्टी में, भैया ये पार्टी की इज्जत खराब कर, ये तो चल रहा है। और वर्ल्ड कप में देखो, इंडिया जो इंग्लैंड का मैच हुआ था उसमें इंडिया हार गई, और पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी लोग संस्कार वाले हैं बता रहे हो, ऐसा दुख हुआ उनको भाई के हारने का, ये तो वलल वलल करके आंसू बहा रहे थे, पुराने खिलाड़ी भैया थे वलल वलल करके रो रहे थे। हाँ, वो अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में मेरे को समझ में आई कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रही है। हाँ, असली बात बाद में समझ में आई मेरे को। और फिर ये एक बात बता रही हूँ, अभी ये जो इनका मैच होना है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया को भी पसीने आ दी, तो इनका तो बाहर निकलना चाहिए है। हाँ, ये खबर ये सुन लो, बैंकों में रिकवरी के लिए जो बाउंसर भेजते थे अब नहीं भेज सकते, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। और मैं बता रहा हूँ बाउंसर लोग के बेरोजगार हो जाएंगे, वो गला पकड़ेंगे उनका, मैनेजर कहा के बोले हमें सैलरी वसूलना भी आता है। हाँ, ये तो उठा उठा के भटकेंगे। ये तो है वो खबर, ये मजेदार खबर ये देखो, कामानी एक्सप्रेस में सांप निकल गया। अरे भैया सांप निकला वो भी है ट्रेवल करके अपने रिश्तेदारों वगैरह से मिलने जा रहा हो, आजकल ये बारिश का मौसम है, और एक उनको पकड़ने के लिए अखिल बाबा को बुलवाया।
अब वो उनको पकड़ के ले गए, टीसी आया था, टिकट विकेट पूछ रहा था, उसका टीसी पे फुफकार पड़ा, वो टीसी भाग गया छोड़ के। हाँ, और ये खबर ये देखो, ग्वालियर में 18 घंटे बिजली नहीं रही, और बताओ वो लोग है ना, फिर वहाँ बिजली घर पहुँचे, उनका वहाँ मिल जाएगी, वहाँ ताला लगा हुआ था, ये तो सब चल गया है। वो आजकल तो भैया ऐसे छापे आपे पड़ रहे हैं, छापे में किसी का 1 किलो सोना, ये 10 लाख नोट निकल रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, इतनी मेहनत से कमाती हो, भ्रष्टाचार करती हो, उसको अच्छे गार्ड गूड के रखो, उसका कोर्ट बोर्ड जैसे पुराने ज़माने में किलो विलो में रहते थे ना, जैसे बना बनू के रखो, ये तो छापे वालों को भी पता नहीं लगे, और जो पैसा जरा ज़्यादा पड़ा हुआ है उसको गरीबों में बढ़वा दो, मैं कह रहा हूँ फिर आ जाओ, फिर कमा लो, उसमें क्या है। और ये खबर ये देख लो, ये कैनेडा, ये कार्टूनिस्ट है माइकल डी एडर, उन्होंने ये कार्टून बना दिया ट्रंप के ऊपर, वो मैक्सिको बॉर्डर पर जो जो फोटो छपाता ना पिता और बेटी का जो मर गए बेचारे बॉर्डर क्रॉस करते हुए, रिफ्यूजी वगैरह थे, तो इन्होंने ये वो बनाया और उसके बगल में वो दिखा दिया ट्रंप को, तो अपनी गोल्फ कार्ट लिए खड़े हुए और वहाँ गोल्फ खेलना चाहते हैं। ये कार्टूनिस्ट जो होता है वो संवेदनशील होता है, संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है, अब उसकी नौकरी हो चली गई, बता नहीं, हिंदुस्तान में तो नौकरी क्या होता है, हिंदुस्तान में तो जेल में भेज देते हैं सीधे, ये ऐसे असंवेदनशील राजनेता हुआ है, बता रहे हो, कार्टून ये हंसने हंसाने की चीज़ होती है, वो गंभीर बात हंसा के कहता है कार्टूनिस्ट, तो उसको सम्मान करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, बता रहे हो, ये तो चल रहा है। और ये खबर ये देख लो, अम्बाती रायडू जो है क्रिकेटर, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, इनका वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अरे मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना कॉम्पिटिशन है, एक से एक क्रिकेटर है अपने, आया फिर से चांस मिलता है, संन्यास लेने की क्या जरूरत है, अभी तो आपका शुरुआत हुई है, और भी चांस मिलेंगे, ये तो रोटना मनाना नहीं होने चाहिए। ओ भैया मुंबई में तो यदि बारिश हुई है भलर भलर करके पूरा मुंबई लबालब हो गया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, हर आदमी आजकल घरों के सामने वो सीमेंटेड वगैरह करा देता है, पानी जाने की जगह ही नहीं रहती, पानी जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ बेचारा, और भरेगा वो तो, और मैं कह रहा हूँ अलर्ट हो जाओ अपने शहरों में, ऐसा मत करो, वरना है ना आपके शहर में भी ऐसे भलल भलल हो जाएगा, और बोटों तो जाना पड़ेगा ऑफिस, हाँ मैं भैया मैं भी जा रहा हूँ अपने शहर में, देखूँ बारिश बारिश होने वाली है, नावा खरीद लूँ। नमस्कार। दंत चिकित्सक लेकर आए हैं डेंटिस्ट्री की एक नई सदी, उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस। उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस में डेंटिस्ट देंगे दांतों को खूबसूरत और स्वस्थ रखने की राय, तो आना ना भूलें, 7 जुलाई काना फन सिटी भोपाल। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. देख रहे हैं दखल न्यूज़।